हमारी बाली ट्रिप चालू हो चुकी है। इंडिया से बाली हम जा रहे हैं मात्र 25,000 रुपीज के रिटर्न टिकट में। कैन यू इमेजिन? मैं पूरी डिटेल्स आपको बताता हूँ इसके बारे में। जब भी आप ट्रैवल करें इंडिया से बाली, तो आप स्कूट एयरलाइंस की फ्लाइट चूज करें जो कि हैदराबाद से चलती है। हैदराबाद से बाली वाया सिंगापुर, सिंगापुर में 2 घंटे का हॉल्ट है और 7 घंटे का हॉल्ट है। चूज करिए अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको कितने देर रुकना है। सिंगापुर में अगर आप 7 घंटे का भी हॉल्ट लेते हैं तो भी आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप सिंगापुर का बहुत ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है वो भी घूम सकते हैं, और साथ साथ में सिंगापुर सिटी टूर भी कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट और सब पैसेंजर को। तो हमने जाते वक्त 2 घंटे का ही चूज किया है, आते वक्त हमारी 7 घंटे की है। आइए आपको आगे पूरा बाली का हमारा जो बैचलर्स ट्रिप है उसमें दिखाते हैं कि क्या क्या फन और क्या पार्टी प्लेसेस हैं। सिंगापुर एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं 5.5 घंटे की फ्लाइट इंडिया से ट्रेवल करने के बाद। दिखाते हैं, अभी तक तो सुना ही है कि चांगी एयरपोर्ट इतना ब्यूटीफुल है। दिखाते हैं चांगी एयरपोर्ट में क्या क्या है। थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा क्योंकि हमारा 2 घंटे का ही हमारे पास ले हो रहा है, उसमें जितना देख सके। देन वी विल ट्रेवल टू बाली बैचलर बॉयज। क्या बोलते हैं, क्या देख रहा है मुनीश? अच्छा तेरे जैसा है क्या जूता? तेरे को पता है ना जितने पैसे तू पूरे टूर के लिए लेके आया है उतने का वो जूता होगा। ओह क्रेडिट कार्ड, पता है ना काय का है वो। बाली ट्रिप की शुरुआत इतनी जबरदस्त हुई है हमारी कि ट्रिप का तो नहीं पता, पर इस फ्लाइट में लोग इतने सुंदर हैं कि उनको देख के ही हमारे इस फ्लाइट के पैसे वसूल हो गए। आगे देखिए क्या होता है इस ट्रिप में। See you. बाली एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं। फर्स्ट आपको बताते हैं कि आपके पास आपको सबसे पहले वीजा करवाना पड़ेगा। तो वीजा के लिए यू विल हैव टू पे $35 और बेटर ये होगा कि आप चेंज यहां पे लेके आएं, अदरवाइज करेंसी आपको दिक्कत होगी।
कि इन लोग रिटर्न जो है वो इनके करेंसी में करते हैं, IDR में। तो $35 का जो चार्ज है वो आप किसी भी फॉर्म में कैरी करके आए या अपने कंट्री से लेके आए, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। आई एम गोइंग फॉर माई नेक्स्ट। इतनी भीड़ है भाई इमिग्रेशन में, देखिए। वीजा क्लियरेंस करने के बाद जो इमिग्रेशन से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको एक कस्टमर डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना पड़ता है। वहाँ पे कंप्यूटर लगे हुए हैं, कंप्यूटर में आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, आगे नेक्स्ट 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 करना है आपको, सब चीज़ें लाइक पासपोर्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब डालना है। प्लेस ऑफ अराइवल जहाँ भी लिखा रहेगा, तो वहाँ आप जस्ट उबुद में रुक रहे हैं या सेमिनी आर्ट में रुक रहे हैं तो वो उसका डाल दीजिए, दैट विल बी ओके। एक रिसिप्ट आएगी, देन यू विल बी शोन आउट, ओके। फिर रिसिप्ट आएगी तो आपको फिर आगे जाने का मौका मिल जाएगा वहाँ से। फिर आगे आके लेट्स सी अब टैक्सी के चार्जेस क्या हैं हमारे होटल तक जाने के लिए, सब इन्फॉर्मेशन आप एक एक करके मैं शेयर करता हूँ। टैक्सी बुक हो गई है हमारी सेमिनियाक के लिए। जनरली सेमिनियाक जाने का दे विल चार्ज यू अराउंड 2,30,000 रुपीज, यहाँ का पैसा है भाई, हमारे वहाँ का पैसा नहीं है। लेकिन हम लोग ने, सात लोग हैं तो सात लोग में 3.5 लाख रुपए में ये टैक्सी की है बुक, सिर्फ ड्रॉप के लिए ना, हमको एयरपोर्ट से हमको होटल ड्रॉप करेगा 3.5 बाली रुपया में। अब देखते हैं 5 लाख से कब मैं मान नहीं रहते हैं, 3.5 लाख में मनाए, भारतीय है हम, हमारा काम है मनाना।